वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग RO ARO 2023 के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही बने आप इसका उत्तर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या पहला दिया है, इस साइड में हिंदी लैंग्वेज के प्रश्न है और इधर इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न है। आप जिस भाषा के साथ अच्छा तालमेल बना सकते हैं उस भाषा में प्रश्नों को हल कीजिएगा। पहला प्रश्न यह है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसका उत्तर निकालिएगा और इसके बाद वीडियो को देखिएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना होता है, आपको अगर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद रहेगी जो लेटर्स होते हैं वर्णमाला में तो आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए अगर हम लोग पहले लेटर्स की बात करेंगे जो यहाँ पे जेड बी डी एफ दिया है, अगर इसकी बात करेंगे, देखिए जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26 को आप जीरो भी मान सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर बी की प्लेस वैल्यू है 2, डी की प्लेस वैल्यू है 4 और एफ की प्लेस वैल्यू है 6। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 2-2 की वृद्धि हो रही, तो अगला जो लेटर आएगा उसकी प्लेस वैल्यू होगी 8। 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एच की होती है, ठीक। अब दूसरे लेटर की बात करेंगे, देखिए बी ई एच और के दिया है, बी की प्लेस वैल्यू 2 है, ई की 5 है, एच की 8 है और के की 11 है। तो आपको यहां पर दिख रहा है कि इसमें 3-3 की वृद्धि हो रही, तो अगला जो लेटर आएगा इसकी प्लेस वैल्यू 14 होगी, 14 प्लेस वैल्यू होती है एन की। अगर आप इन दो लेटर्स के साथ देखेंगे तो एच और एन सिर्फ विकल्प सी में है तो यही सही उत्तर बन जाएगा। बाकी अगर आगे भी आपको चेक करना है तो चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए अगर तीसरे लेटर की बात करेंगे, डी की प्लेस वैल्यू है 4, एच की प्लेस वैल्यू है 8, एल की प्लेस वैल्यू है 12, पी की है 16, तो नेक्स्ट आएगा टी, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20। देखिए यहां पर 2-2 की वृद्धि थी, यहां पर 3-3 की वृद्धि और यहां पर 4-4 की वृद्धि, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एच एन टी विकल्प सी। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए ये भी प्रश्न पूरी तरीके से आप अल्फाबेट की जो अल्फाबेट के लेटर्स हैं उनके प्लेस वैल्यू याद रहेगी तो आसानी से कर पाएंगे। देखिए पी आर इसका संबंध दिया है 20 के साथ, टी और डब्ल्यू इसका संबंध दिया है 11 के साथ। तो देखिए संबंध कहाँ से आया, सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू को लिखते हैं, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16 और आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ठीक। 16 और 18, अब यहां से 20 कैसे बनेगा, देखिए तो एक चीज होता है रिवर्स प्लेस वैल्यू, रिवर्स प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, 27 में से चीजों को घटाते हैं। तो अगर 27 में से 16 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 11 और 27 में से 18 घटाएंगे तो मिलेगा 9, 11 और 9 को जोड़ दिया गया तो यहाँ पे आपको 20 मिला। इसका मतलब पैटर्न क्या चल रहा है आपको पता चल गया, जो लेटर्स हैं लेटर्स की रिवर्स प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ा गया। तो यहाँ पर देखिए पी का रिवर्स प्लेस वैल्यू 11 है और इसके बाद जो R है R का रिवर्स प्लेस वैल्यू 9 है, तो 11 और 9 को जोड़ने पर 20 मिला है, ठीक। यहां तक चीजें क्लियर है। इसी तरीके से T की प्लेस वैल्यू होती है 20 तो इसका रिवर्स हो जाएगा 7, W की प्लेस वैल्यू होती है 23 तो रिवर्स हो जाएगा 4, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो आपको 11 मिलेगा, ठीक। अब यहां पर देखिए क्या आएगा, अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखिए यहां पर 16 था, ठीक, और 16 के बाद कितना आ गया, 16 4 20 आ गया, है ना। अब 20 के बाद यहाँ पर 24 आ सकता है, लेकिन अगर 24 रखेंगे तो 24 के बाद फिर 28 मतलब यहाँ पे बी आना चाहिए, है ना, समझिएगा। यहाँ पे रुके, इसको स्पष्ट ऐसे समझाते, देखिए यहाँ पे पी की प्लेस वैल्यू 16 है, टी की प्लेस वैल्यू 20 है, अगर आप यहाँ पर प्लेस वैल्यू 4 अगर बढ़ा करके आगे रखेंगे, यहाँ पर 24 रखेंगे तो 24 और 4 28 आना चाहिए, 28 का मतलब बी हो जाएगा, तो ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। इसका मतलब पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू, यहाँ पर जो शुरू में प्लेस वैल्यू 16 है ना, इसके बाद इसमें 4 की वृद्धि है तो 20 है। अब 4 की वृद्धि नहीं करेंगे, 5 की वृद्धि करेंगे, जब 5 की वृद्धि करेंगे तो आपको यहाँ पर 25 मिलेगा, 25 का मतलब क्या हो जाएगा, वाई, सबसे पहले आप वाई रखेंगे, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर फिर 6 की वृद्धि है तो ई है, 7 की वृद्धि है तो एल है, 8 की वृद्धि पर टी है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। अब देखिए R की बात करेंगे, R की प्लेस वैल्यू 18 होती है और W की प्लेस वैल्यू 23 होती है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 है ना, 5 के बाद फिर आगे आप 6 की अगर वृद्धि करेंगे तो 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29, 29 का मतलब यहाँ पर होता है B, तो Y और B ये चीज आपको मिलेगा। अगर Y B देखेंगे तो सिर्फ एक विकल्प में, विकल्प ए है ना, इसके रिवर्स प्लेस वैल्यू को जोड़ देंगे तो 27 मिल जाएगा। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा था, सबसे पहले ना जो लेटर्स दिए, लेटर्स की प्लेस वैल्यू लेटर्स को कैसे लिखा जा रहा था, एक एक बढ़ मतलब आगे बढ़ा जा रहा, जैसे पी के बीच में 4 का गैप था ना, मतलब पी और टी के बीच में, फिर आगे 5 का गैप करेंगे, फिर 6 का गैप करेंगे,
आर और डब्ल्यू के बीच में 5 का गैप था, तो आगे 6 का करेंगे, 7 का करेंगे, ऐसे चल रहा था। और जो नंबर का की बात करेंगे तो नंबर जो था, नंबर में चीजें चल रहा था रिवर्स प्लेस वैल्यू का सम, है ना, उसको आपस में जोड़ा गया। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया आपको, यहां पर बताने कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, बढ़िया प्रश्न है, आप आसानी से इसको देख के समझ सकते हैं। देखिए 6, 25, 62, 123, 214 नंबर पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे या तो मल्टीप्लाई या तो स्क्वायर या तो क्यूब, यही ट्रिक चल रहा होगा। देखिए 6 को अगर आप देखिए तो आप ऐसा बोल सकते हैं 2 का क्यूब -2। ठीक, 25 को आप ये देख सकते हैं 3 का क्यूब -2। ठीक, 62 को आप क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब -2। ठीक, फिर 5 का क्यूब -2। तो आपको पैटर्न पता चल चुका है, संख बढ़ती हुई क्रम में क्यूब किया गया और उसमें से 2 घटाया गया। देखिए 2 का क्यूब 3 का 4 का 5 का 6 का, तो अगला हो जाएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343, 343 में से 2 घटाएंगे तो 341, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्ह और दो संख्याओं को आपस में प्रतिस्थापित करना होगा। ऐसे प्रश्नों को हिट एंड ट्रायल से करना होता है। आप इसका सही उत्तर क्या बनेगा इसको कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 5। इसमें आपको ये बताना है कि जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी का मिरर इमेज कहाँ होगा, जबकि मिरर को दाहिने साइड में रखा गया है ना, मतलब यहाँ पर मिरर रखा गया। तो मिरर इमेज की जब भी बात करते हैं, मिरर इमेज में चीजें जस्ट पलट जाती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला लेटर ये जो लास्ट में, ये सबसे पहले आ जाएगा, तो वाई है ना, फिर आर यहाँ पर उल्टा बनेगा। देखिए वाई सभी विकल्प में सही है, आर सही। देखिए ऐसे देखिएगा, यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पर उल्टा बने तो ये गलत हो जाए क्योंकि ये वाटर इमेज है ना। फिर इसके बाद देखिएगा ए यहाँ पर सही है ना, ए के बाद अगर आप देखेंगे तो टी, टी भी ठीक ठाक है। देखिए इसके बाद जब बात करेंगे ई, तो ई यहाँ पर उल्टा बनेगा। देखिए इसमें ई सीधा बना, इस वजह से ये विकल्प कैंसिल हो गया है ना, और इसमें भी ई सीधा बना, इस वजह से विकल्प कैंसिल हो गया। तो 3 विकल्प यहाँ से हट गए, तो विकल्प डी ही आपका सही उत्तर बनेगा। आप सभी लेटर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। इसमें दिया है कि जनरली को कुछ इस प्रकार कोड किया गया, तो आपको बताना है कि एल्कोहल को कैसे कोड किया जाएगा। फिर से आते हैं प्लेस वैल्यू पे। देखिए जी ई एन ई आर ई डबल एल वाई, ये एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिए। मैं इसको जनरली को थोड़ा और नीचे लिखता हूँ ताकि इसमें अच्छा खासा स्पेस मिल सके इसे हल करने के लिए। जी ई एन ई आर ए डबल एल वाई, ये एक बेहतरीन प्रश्न है, आप इसको देखिए। ठीक है, देखिए वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले इसको ट्राई करना, इसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा कि इसमें इसका क्या उत्तर बनता है। देखिए जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, ई की प्लेस वैल्यू है 5, एन की प्लेस वैल्यू है 14, ई की प्लेस वैल्यू है 5, आर के लिए प्लेस वैल्यू 18 होता है ना। इसके बाद ए की प्लेस वैल्यू 1 है, एल का प्लेस वैल्यू है 12, फिर से 12, और यहाँ पर कितना लिखा गया 25। ठीक, चलिए वाई की प्लेस वैल्यू 25। अब देखिए ये प्लेस वैल्यू तो आपने लिख लिया कि किसकी प्लेस वैल्यू क्या होती, लेकिन जो आपके क्वेश्चन में दिया है ऐसा कुछ नहीं दिया है। अब क्या करें, अब रिवर्स प्लेस वैल्यू पर जाइएगा। देखिए रिवर्स प्लेस वैल्यू में जाएंगे तो जी की रिवर्स प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20 है ना, ई का रिवर्स प्लेस वैल्यू 22, इसको क्या करना है 27 से घटाना है, तो यहाँ पर 13, यहाँ पर 22, यहाँ पर 9, यहाँ पर 26 है ना, 26 के बाद यहाँ पर 15, फिर से यहाँ पर 15, और यहाँ पर 25 में से यहाँ पे 2 मिला। ठीक, अब इसके बाद देखिए अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। अब क्या किया गया ना, कोड को कैसे निकाला गया, जो रिवर्स प्लेस वैल्यू है ना उनके अंकों को आपस में जोड़ दिया गया, रिवर्स प्लेस वैल्यू के अंकों को जोड़ दीजिए। देखिए 2 और 0 को जोड़ेंगे तो जी का मिल जाएगा 2 है ना, यहाँ पे देखिए 2 मिल गया। ठीक, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, तो ई के लिए कितना लिखा गया 4 लिखा गया। फिर देखिए 3 और 1 4, 2 और 2 4, ठीक है ना, यहाँ पे 9 तो अकेले 9 लिख देंगे, 6 और 2 8 लिख दिया जाएगा है ना, 5 और 1 6 लिख दिया जाएगा, 5 और 1 6 लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा। देखिए क्या बेहतरीन पैटर्न चल रहा है ना, क्वेश्चन देख करके मन खुश हो जाए। सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखा गया और रिवर्स प्लेस वैल्यू को फिर आपस में जोड़ दिया गया उनके अंकों को, है ना, तो आपको पैटर्न पता चल चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, एल्कोहल में सबसे पहले रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद उसको जोड़ेंगे। तो देखिए एल्कोहल की बात करेंगे, ए एल सी ओ एच ओ एल, देखिए एल्कोहल में एक मतलब एक होता है तो उसका रिवर्स प्लेस वैल्यू 26 हो जाएगा। एल की बात करेंगे 12 होता है तो रिवर्स प्लेस वैल्यू 15 हो जाएगा। सी की प्लेस वैल्यू 4 होती तो रिवर्स प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 23 हो जाएगा है ना, सॉरी माफ कीजिएगा मैं 4 बोल रहा हूँ, 3 होता है तो यहाँ पर 24 हो जाएगा है ना। ओ की बात करेंगे 15 होता है तो रिवर्स प्लेस वैल्यू 12 हो गया है ना। एच की प्लेस वैल्यू 8 होती तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा
एच की प्लेस वैल्यू 8 है, यहाँ पर 19 मिल जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है तो यहाँ पे आपको 12 मिल जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है तो फिर 15 मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले 8 से शुरू होगा ऑप्शन, है ना, देखिए 8 से शुरू होगा तो सब 8 से शुरू है ना, लास्ट में खत्म 6 पर होगा, सब 6 पर खत्म है ना। अब इसमें चेक कर लेते 5 और 1 6 है ना, तो 8 6 ठीक है, सब में 2 यहाँ पर भी 6 मिल जाएगा। तो देखिए ये विकल्प है ना, ये विकल्प कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये विकल्प मतलब सी और डी कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें 2 बार 6 6 नहीं है। इसके बाद देखिए 2 और 1 3 है ना, 6 के बाद 3 इसमें बी में, तो आपका बी सही बन जाएगा। इसके बाद ये देखिए बेहतरीन प्रश्न था, आप वीडियो को रोक कर अपने हल किया होगा तो आपको पता चला होगा कि इसका लेवल क्या चल रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7 माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, रुके कलर सही कर लेते हैं, अपने मूल कलर पर आ जाए। देखिए दिया है कि दिव्या की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो आदित्य का दिव्या से क्या संबंध। देखिए जब कभी भी ना जो कहेगा मतलब किसी की ओर इशारा करते हुए आप खुद को उसे एज्यूम कर लीजिए। देखिए दिव्या की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, अब मान लो कि आप आदित्य हो, है ना, ये हमेशा आपको याद रखना है, जो बोलेगा आप उसे ना खुद समझ लेना कि हम बोल रहे हैं, है ना। आप मान लीजिए आदित्य, आप क्या कह रहे हो कि जो दिव्या नाम की लड़की है ना, दिव्या जो दिव्या नाम की लड़की है ये क्या है, मेरी माँ है ना, मतलब मेरी माँ हो गई है ना के पोते, मेरी माँ के पोते का मतलब समझ रहे। देखिए अगर हम बोले कि हमारी माँ का पोता मतलब वो हमारा लड़का है ना, मतलब यहाँ पे देखिए जो आदमी है ना, मतलब आप इमेजिन कीजिए ना, जो आदित्य, आपने खुद को आदित्य मान लिया, आप बोल रहे हो मेरी माँ का पोता, आपकी माँ है ना, इसका मतलब का पोता है तो आदित्य मतलब आपका लड़का हो जाएगा, है ना। तो आपके लड़के की क्या है, पत्नी है, है ना। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है, देखिए आप हैं, आपका लड़का है, इसकी पत्नी है, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब बताइए कि वो जो लड़की है ना, ये आदित्य का दिव्या से क्या संबंध हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, आदित्य क्या हो जाएगा, दिव्या का ससुर हो जाएगा, इसमें विकल्प इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फादर इन लॉ। तो ऐसे प्रश्न जब भी हल करना है तो जो बोल रहा है, जो बोलने वाला है, उसको ना आप खुद की जगह एज्यूम कर लेना। जैसे आप मान लीजिए मैं आदित्य हूँ, अब आदित्य क्या बोल रहा है कि दिव्या नाम की एक लड़की है, मेरी माँ है, उसका पोता, तो देखिए मेरी माँ का पोता मेरा लड़का होगा, मेरे लड़के की पत्नी है तो मैं उसके लिए ससुर हो जाऊंगा, वो मेरे लिए बहू हो जाएगी, तो इसमें विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8, इसमें दिए कि आपको ये प्रश्न चिन्ह का मान बताना है। सीधी सी बात है, इसमें आपको प्लेस वैल्यू रखना है और प्लेस वैल्यू रखने के बाद आप आराम से टैकल कर पाएंगे कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 9 में देखिए ऐसा प्रश्न मैंने पीछे भी बताया कि इसमें क्या करना होता है, आपको हिट एंड ट्रायल ट्राई करना है, तो इसको भी ट्राई कीजिएगा, 9वां नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन संख्या 10 पर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 क्या दे रखा है कि आपको एक प्रश्न है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए, बताइए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, बिहारी सुरेश से कैसे संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए एक तरीके से ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि इन 3 कथन में से किसका प्रयोग करेंगे कि पता चल जाएगा बिहारी सुरेश से कैसे संबंधित। देखिए बनाते हैं, दीक्षा बिहारी की माँ है, जो दीक्षा है माँ है, किसकी माँ है, बिहारी की माँ है, ठीक। आगे है चंदू बिहारी का भाई है, जो चंदू है ये भाई है किसका, बिहारी का, ठीक। इसके बाद बोला जा रहा है दीक्षा सुरेश की पत्नी है, जो दीक्षा है ये सुरेश की पत्नी है, मतलब यहाँ पे सुरेश आ जाएगा, ठीक। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बिहारी सुरेश से कैसे संबंध। देखिए बिहारी क्या है, सुरेश का या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, है ना, लेकिन ये बताने के लिए आपने 3 कथन का प्रयोग किया है, मतलब अगर कोई भी कथन छोड़ देंगे तो आप बता नहीं पाएंगे। तो कथन 1, 2 और 3 तीनों जब एक साथ मिलेंगे तब आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11, आपको ये बताना है। देखिए 11 नंबर पे क्या दिया है कि उस चित्र का चयन करें जो तीसरे चित्र से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा चित्र पहले से संबंधित। देखिए पहले चित्र को देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वर्ग बना है, फिर एक वर्ग है उसके अंदर 2 छोटे छोटे सर्कल है। देखिए बाहर वाला वर्ग सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो सर्कल है ना, सर्कल को देखिए बाहर कर दिया गया सिंगल करके और यहाँ पे वर्ग को अंदर कर दिया गया डबल करके। यहाँ पे देखिए ये बाहर वाला सेम, अब देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल देखिए यहाँ पे क्या है, 2 ट्रायंगल अंदर है तो 1 ट्रायंगल बाहर आ जाएगा और इसके बाद 2 सर्कल यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। तो ऐसी आकृति जहां पर दिखेगी वही सही होगा, इसमें विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। हाँ विकल्प नहीं, सर्कल 1 होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ट्रायंगल 1 होगा ना, तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए प्रश्न संख्या 12, इसमें क्या बोला है कि समरूप गुणों के आधार पर इन आकृतियों के को 3 समूहों में वर्गीकृत कीजिए, समरूप गुण निकालना है। देखिए अगर आप इन सबको ध्यान से देखेंगे, देखिए आकृति संख्या 1, आकृति संख्या 5 है ना, मतलब 1 5
और 9, इन तीनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो तीनों में यहाँ पे एक ऐसा वृत्त बन रहा है ऊपर। तो यहाँ पे देखिए 1, 5 और 9 एक तरफ आएगा, 1, 5 और 9 इसमें विकल्प बी, देखिए सिर्फ एक ही जगह है ना। आगे भी क्रॉस चेक कर लेते, देखिए यहाँ पर बीच में ऐसे विकर्ण बने हैं ना 3 में, ऐसा ही विकर्ण 6 में भी बना है और ऐसा विकर्ण 7 में बना है। तो 3, 6 और 7, देखिए 3, 6 और 7 यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका मतलब विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 13, 4 फिगर दिया, इन 4 फिगर में आपको ये बताना है कि कौन सा फिगर मतलब इनके जैसा नहीं। देखिए इसमें आधा कलर पेंटेड है, इसमें भी आधा पेंटेड है, इसमें भी आधा पेंटेड है, चौथा सबसे अलग हो जाए क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा पेंट किया गया, तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, देखिए यहाँ पर प्रश्न है, दिए गए विभिन्न आरेख में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो जर्मन और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, मतलब उन व्यक्तियों को आपको छांटना है जो जर्मन और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। देखिए जब कभी भी ऐसा प्रश्न है जर्मन और फ्रेंच का नाम ले, मतलब आपको उन्हें सेलेक्ट करना है जो जर्मन और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो अगर हम इस दायरे को अगर देखेंगे, देखिए ये इटालियन वाले हैं, इनको बाहर कर लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये खाली फ्रेंच वाले हैं तो इसको भी बाहर कर लेंगे, है ना। ये सिर्फ इटालियन मतलब जर्मन वाले, इनको भी बाहर कर लेंगे, दोनों भाषा बोलने वाला दायरा ये है, है ना, ये है ना। तो 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। देखिए जब कभी भी ऐसा प्रश्न बनेगा, देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम है ना, देखिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ। देखिए अगर कभी तीनों के बारे में पूछ लिया जाएगा, तीनों के बारे में, तो आपको ये दायरा सेलेक्ट करना है, इसमें तीनों लोग आ रहे हैं ना, ये दायरा। अगर सिर्फ दो का नाम लिया जाएगा तो जिन जैसे मान के चले यहाँ पे ए बी सी एस है, अब अगर बोल दिया जाए कि कितने लोग तीनों बोलते हैं तो आपको ये मतलब तीनों के दायरे में इनको सेलेक्ट करना है। अगर बोला जाए कि ए और बी वाले कितने, तब आप इनको सेलेक्ट करेंगे, ये ए और बी वाले, है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो ए और सी में है, तो ए और सी में ये लोग हैं, है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो बी और सी में है, तो बी और सी में ये लोग हैं। अब अगर ऐसा बोल दिया जाए ना कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ए में है, सिर्फ ए में, तब ये हैं, सिर्फ बी वाले ये हैं और सिर्फ सी वाले ये हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 15, यहाँ पर दिया एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई गई है, दिए गए चित्र में सी के विपरीत कौन है। तो देखिए जब कभी भी ऐसा प्रश्न बनता है ना, तो आपको सबसे पहले उस फेस को पकड़ना होता है, मतलब दो डाइस में से किन्हीं एक डाइस को लेना होता है जिसमें वन फेस कॉमन हो। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सी और ए दोनों कॉमन है, तो इसको नहीं लेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग उठाएंगे, देखिए यहाँ पर चाहे आप डाइस एक नहीं, एक में तो दो हो जाएगा ना, आप डाइस 2 और 3 को सेलेक्ट करेंगे। 2 और 3 को क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ ए कॉमन है। अब कॉमन टर्म को पकड़ के आप या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। देखिए ए से जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे यहाँ पे, तो ए सी और डी मिलेगा, और यहाँ पर जब ए से रोटेट करेंगे तो आपको ए ई और बी मिलेगा। देखिए डी और बी एक दूसरे के अपोजिट है, सी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, एक छूट रहा है, एफ छूट रहा है, तो एफ किसके अपोजिट हो जाएगा, ए के, है ना। आपसे पूछ रहा है कि सी के विपरीत कौन है, तो सी के विपरीत ई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 16, है ना। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक साइकिल सवार पश्चिम दिशा की ओर 40 किलोमीटर जाता है, ठीक। पश्चिम दिशा, देखिए जब कभी पेपर पर ड्रॉ करना होता है तो पेपर पर ऐसा पैटर्न माना जाता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, मतलब ये पश्चिम है ना। पश्चिम दिशा की ओर गया, मान लीजिए साइकिल सवार यहाँ से चला और इधर गया 40 किलोमीटर, ठीक, 40 किलोमीटर जाता है ना। इसके बाद क्या होता है, फिर वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर मतलब इधर मुड़ गया और 20 किमी और जाता है, तो 20 किमी और चला देते हैं ना। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, इसके बाद वो पुनः बाएं ओर मुड़ता है, देखिए इधर से लेफ्ट लेगा, जब नीचे है नीचे से लेफ्ट लेगा मतलब राइट में आएगा और 20 किलोमीटर और आता है ना, यहाँ से 20 किलोमीटर और आता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखिए प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है ना, यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से दूरी ये है। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखिए ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया, 20 और 20 में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको मिलेगा 20√2 किमी, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 20√2 किमी। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 17, है ना। यहाँ पर दे रखा है कि यदि आपके पास कुछ लड़कों द्वारा किसी लड़की को परेशान किया जाता है, मतलब यदि आपके पास कुछ लड़कों द्वारा किसी लड़की को परेशान किया जाता है, तो आप इस स्थिति में आपकी सबसे उचित प्रतिक्रिया क्या होगी। मतलब प्रश्न ये बोला जा रहा है कि कुछ लड़के जो लड़की को परेशान कर रहे हैं, तो इस परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आप स्वयं उनकी सहायता करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर स्वयं उनकी सहायता, उसकी सहायता करेंगे, मतलब जो लड़की उसकी सहायता करेंगे, ठीक, ये है ना। आप किसी को उसकी सहायता के लिए बुलाएंगे, है ना, आप भीड़ इकट्ठा करेंगे, इस मामले को अनदेखा करेंगे। देखिए आप यहाँ पर ना इसका बिल्कुल सही उत्तर है, आप स्वयं अभी वर्तमान में आपकी बात हो रही, तो आप तुरंत उसकी सहायता करेंगे, है ना। ऐसी कंडीशन में इसका बिल्कुल सही उत्तर ही हो जाएगा, है ना। इसके बाद भीड़ को बुलाना या फिर सहायता के लिए, मतलब भीड़ इकट्ठा करना, सहायता के लिए किसी और को बुलाना, ये बाद की प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे सबसे पहले आप उनकी सहायता करेंगे, है ना, ये इसका सही उत्तर बनेगा। इसके
अतिरिक्त देखिए यहाँ पे अनदेखा करना ये तो एकदम गलत बात है, मतलब अनदेखा नहीं करेंगे है ना। भीड़ को इकट्ठा करने बाद की प्रतिक्रिया, किसी और को बुलाएंगे भी बाद की प्रतिक्रिया, तो बिल्कुल सही उत्तर इसका ही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में 17 प्रश्न को हल किया, इन 17 प्रश्न में कुछ प्रश्न छोड़े गए जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है, और इसके अतिरिक्त जितने प्रश्न कराए गए या फिर 17 में से कितने प्रश्न आपके सही बने आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल सी साइड प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।